सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक सोलो रैंक पुश वाले वीडियो के अंदर। और भाई ये वाला वीडियो यार लिटरली बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है। लास्ट में जाते जाते हमें यहाँ पर चिकन डिनर से हल्का सा चूक जाएंगे और एक्चुअली में लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब एक से बढ़कर एक स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, काफ़ी सारे मतलब जो क्लोज रेंज फाइट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, जो बहुत प्यारे तरीके से निकाले हैं। इससे पहले भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपने AKR सुपर भाई को और अपने कैप्टन रावत भाई को फॉर द पॉपुलैरिटी। एंड आप भी पॉपुलैरिटी सेंड कर सकते हो, आपको यूजर नेम या फिर यूजर आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। अब देखो भाई बात करते हैं इस गेम प्ले के बारे में। हम यहाँ से अपना लूट एंड ऑल करके यहाँ से निकले थे कि हमारे ऊपर एक यहाँ पर छोटा सा पुश हो जाता है जिसके साथ हमारा काफी प्यारा फाइट होने वाला है। तो देखो जरा कैसे निकालते हैं इस फाइट को। यहाँ पर तो काफी प्यारा सा क्राउच जिगल दे दिया जाता है दोस्तों और इस फाइट को निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं पहाड़ी का सबसे टॉप वाला एरिया होल्ड कर रहा होता हूँ कि यहाँ पर एक गाड़ी आती है और इस टाइम मुझे डिफेंड करना ही सबसे सही चीज लगी एक तरह से। एंड डिफेंड में आपको क्या करना होता है, जब आपके पास एक अच्छा कंपाउंड या फिर एरिया आपने होल्ड कर रखा हो ना, तो आसपास से निकलती हुई गाड़ियों पे थोड़ा बहुत फायर दे करो ताकि वो आपके ऊपर पुश ना करें और आपका जीजी ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि फाइट में स्टार्टिंग में एंगेज होना काफ़ी गलत रहता है। मैं स्टार्टिंग से ही करता आ रहा हूँ इसलिए अभी तक क्राउन फोर पर बैठा हूँ, नहीं तो थोड़ा आगे होता। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, इसको यहाँ से भगा दिया गया है। और अब देखो भाई यहाँ पर वीडियो को पॉज करना, आराम से देखो कि जोन कहाँ का शिफ्ट ले रहा है। कहीं पर आपको बता चुका हूँ कि इस जोन के शिफ्ट में आपको कहाँ होल्ड करना होता है। एज यूजुअल हमें एक हाइट का एडवांटेज मिल जाएगा और यहाँ से थोड़ा स्किप करते हैं और ये देखो जरा ये अपना हाइट जो पोचिंग के साथ वाला सबसे बड़ा हिल है, इधर की तरफ हम होल्ड कर लेते हैं आगे। और यहाँ पर भी वही सीन है, मतलब होल्ड करने की कोशिश की थी, उसके बाद क्या हुआ कि सामने की तरफ गिर जाता है एक ड्रॉप, ऊपर वाले ने अपनी कृपा दिखा दी है। हमने भी सोचा क्यों ना हम नीचे से अपनी कृपा मतलब एज अ रिटर्न गिफ्ट दे दें, तो हम भी चले जाते हैं भाई ड्रॉप के पीछे। अब यहाँ पर ड्रॉप को लूट लिया जाएगा दोस्तों, उसके अंदर से MK हमें मिलने वाली है। और देखो भाई अगर आप चैनल पे नवे हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, अपना 3K सब्सक्राइबर्स का गोल रहेगा। वीडियो का लाइक कैम लास्ट वीडियो में 300 का किया था लेकिन हो नहीं पाया था, कोई बात नहीं इस वीडियो में पूरे 200 लाइक्स कैम करते हैं, होपफुली इस बार आप करवा दोगे। थोड़ा छोटा ही है तो हो जाना चाहिए। तो अब देखो भाई यहाँ पर हमें मिल चुकी है MK जो कि क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा बीस्ट गन है, आप सभी जानते हो मैं भी जानता हूँ। और ये एक बीस्ट बना इसका बाहर आने भी वाला है क्योंकि आगे ये काफ़ी सारी फाइट्स हम इससे निपटाने वाले हैं। अब जैसे ही हमें यहाँ पर MK वगैरह मिलती है हम आराम से अपना गाड़ी के अंदर बैठते हैं दोस्तों और साथ वाले कंपाउंड के ऊपर रश कर देते हैं। रश भी क्या, मैं तो यहाँ पर होल्ड करने जा रहा था लेकिन जब फायर हुआ तो भाई फाइट लेना तो बनता है दोस्त। तो भाई लोग यहाँ पे इसको निपटा दिया जाता है। और लास्ट वीडियो में हमने M249 OP लिखने के लिए कहा था जिसको एक भाई ने बिल्कुल दिल पर ले लिया और काफ़ी प्यारी कारीगरी करी गई है यहाँ पर, अप्रिशिएट दिस। लास्ट में M249 OP थी, इस मैच में हमारी MK OP होने वाली है। तो इस बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में MK OP हो जाना चाहिए दोस्तों, जितना अच्छा स्पैम कर सको कर देना। अब यहाँ पर हम बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल होल्ड करने आ जाते हैं और यहाँ पर अपना फिर से वही रहता है कि जो आए उसको भगा दो। इस हिल को हमें डिफेंड करना होता है एक तरह से। दोस्तों यहाँ पर हमारी गरीबी जम जम के बाहर आ रही है, मस्त वाला लैग दिया जा रहा है गेम के द्वारा। POCO F1 है यार, कितना सह लेगा, 30 बंदे लाइव है और सारे मेरे आसपास ही हैं। और भाई ये वाला मैच में सच्ची बता रहा बहुत मज़ेदार आने वाला है। अब यहाँ पर मैंने MK की सेंसिटिविटी सेट नहीं की थी, नहीं तो मैं इसको ले जाता यार, मैंने गलती से स्प्रे वाली सेंसी कर रखी जिससे बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इसी का फायदा उठाते एक बगी वाला हमारे ऊपर पुश कर देता है। तो भाई लोग इसको भी यहाँ पर निपटा दिया जाता है काफ़ी इजीली और जाकर इसका डब्बा लूट लिया जाएगा, सारी लूट अपने नाम कर ली जाएगी, जितना माल है सबका सब उठा के अपने जेबों में और अपने बस्ते में भर लिया जाएगा। अभी डासिया वाला यहाँ पर एक्चुअली में क्या कर रहा था कि ये अपने लिए पूरा एक कवर बनाने की कोशिश कर रहा था और जो हमने पूरी तरह से फेल कर दिया। यहाँ पर आपको यही करना होता है, अपने हिल के आसपास किसी को भी कवर एंड होल ना बनाने दो, पोजीशन होल्ड ना करने दो, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। अगर आपके आसपास कोई होल्ड नहीं करेगा तो आपके ऊपर कोई नज़र रख भी नहीं पाएगा और कोई नज़र नहीं रखेगा तो आप इजिली अपना जगह होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर भाई देखो क्या सीन है अपना, वापस से हम आ चुके हैं टॉप ऑफ द हिल पर और ये थोड़ा बहुत सेंसिटिव अगर आप लोग मांगते हो तो मतलब जल्दी जल्दी में भी देख लो। अब इधर से एक गाड़ी जाती
जाती है, जिसका पीछा करते करते मैं भी जाता हूँ कहीं। ये मेरे मतलब एक तो होता है ना, मतलब घर के नीचे वाले हिस्से में रहने लग गए भाई, फिर बाद में हमारी डांटने लग गए, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा इसने होल्ड कर लिया होता तो फिर दिक्कत हो सकती थी। अब जैसे वो बंदा यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर हमें एक कवर मिल जाएगा अपना काफ़ी प्यारा सा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर होल्ड करने के बाद पीछे जोन के बाहर वाले एरिया से एक बंदा हमारे ऊपर पुश करने वाला है। और जैसे ही वो बंदा पुश करेगा, आपको अपनी पैंट्रिक पता ही होगी, पैंट्रिक मैं इसमें कहीं बार यूज़ करने वाला हूँ, तो पैंट्रिक का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। क्राउच करके आराम से धीरे धीरे होले होले उस बंदे के पास जाएंगे और उसको एक प्यारे से लड्डू से निपटाने वाले हैं। तो ज़रा देखो कैसे बन के आता है ये वाला सीन हमारा। दोस्तों यहाँ पर इस भाई ने हमें बहुत सारी गालियाँ दी होंगी क्योंकि इसको कुछ आइडिया था ही नहीं कि इसके बगल में एक सांप लेटा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, इस भाई को यहाँ पर निपटा देते हैं, सारी लूट फिर से अपने नाम कर ली जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर हमारे ऊपर एक पुश हो जाता है और उसके ऊपर हमने भी पुश कर दिया। तो जरा देखो कैसे निपटाते हैं इस भाई को। एक्चुअली यहाँ पर भी मैंने पैंट्रिक यूज़ करी जिसकी वजह से मैं अपनी पोजीशन लेफ्ट की जगह राइट से निकल पाया और ये भाई पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अब भाई यहाँ पर एक्चुअली पहले 20 बंदे लाइव थे, अब 11 हो गए, बहुत छोटा जोन है भाई, 11 बंदे लाइव हैं। पोको की माँ की माँ की आँख होने वाली है भाई, लिटरली मतलब क्या ही बोलूँ, पोको की यहाँ पर मैया हो गई थी। और यहाँ पर नीचे वाले शैक में एक्चुअली एक बंदा था। अब इस भाई के ऊपर मैं स्प्रे एंड ऑल तो ट्राई करता हूँ लेकिन पता नहीं कोई राइट साइड डीपी में कोई चिपकाने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर तो अपनी जस्ट किस्मत थी कि हम बच गए और वापस से फॉल बैक ले लिया जाएगा। अब सीन यहाँ पर यह है कि मैं अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर छोड़ा हूँ एक्चुअली में, तो मुझे अब पैदल ही आगे का सफर तय करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पीछे और जोन के आने का टाइम हो गया है। अब राइट में शैक भी बंदा है और ये देखो ज़रा। अब एक्चुअली जो इस बंदे ने अपने लिए कवर बना रखा था ना, ये मेरे लिए एक बहुत ओपी कवर बन के सामने आने वाला है क्योंकि लास्ट में जाकर सिर्फ यही एक रीज़न होगा जिसकी वजह से मैं प्रॉपर जोन में जा पाऊंगा। और मतलब देखोगे ना यार मज़ा आ जाएगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या इंटेंस सिचुएशन बन रही है। ऊपर से जो फोन का लैग होता है वो तो अलग ही सीन है। अब यहाँ पर सामने वाले के ऊपर मैं एक्चुअली ये नेट कैंसिल करने वाला था लेकिन कैंसिल हुआ नहीं और ये थ्रो हो गया बाय मिस्टेक। तो अब यहाँ पर मैं जरा हील एंड रोल कर रहा था कि जैसे ही साइड से थोड़े बहुत शॉट्स आते हैं तो आगे जाकर मैं बिल्कुल ओपन में लेट जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर और कुछ मेरे पास तरीका था भी नहीं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरह से अपनी किस्मत है कि अपने जस्ट आगे एक छोटा सा झाड़ था और शायद किसी की नज़र अपने ऊपर गई भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यार हमारा यहाँ पर डब्बा बनना कन्फर्म था। अब जैसे ही यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पोजीशन वगैरह मिलता है, और मैं आपको बता दूँ मैं क्राउन 4 के हाफ तक पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली मैं इस वीडियो के बाद मैं क्राउन 3 पर आने वाला हो रहा था लेकिन यार कल लगभग बैक टू बैक 3-4 मैचेस में टीम अप और हैकर वाली आई, इसमें मैंने +30 समथिंग करा और अगले जस्ट इससे अगले मैच में टीम अप आता है जिसने मेरा -9 और उसके अगले मैच में फिर मेरा -15 लगेगा। तो कोई बात नहीं, करेंगे कॉन्कर होले होले धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए गेम प्ले फुल मनोरंजन आता रहेगा यार, बाकी सब भाड़ में जाए, आप लोग खुश रहने चाहिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही हमें मौका मिलता है, मौके पे एक सिंपल अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है ये कि हम यहाँ पर जाकर होल्ड कर ले दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं ना भाई, अपने ये भाई को जिसको मारा था, यहाँ पर अपनी पेटी मिल जाती है जिसमें से काफ़ी सारे स्मोक्स एंड डोल मिल जाते हैं हमें, जिसका फ़ायदा उठा के यहाँ पर मैं मतलब बार बार स्मोक एंड डोल करके अपने नीचे बैठा रहूँगा। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है ना, जब इतनी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो, ओपन जोन हो, तो अपने ऊपर स्मोक करते रहा करो, इतने स्मोक उठा लो कि आपके स्मोक खत्म ही ना हो। मैंने एक बार 12-13 स्मोक उठा लिए थे, और अगर आप देखोगे ना स्मोकिंग सेव्स माय लाइफ इन पबजी मोबाइल वांटेड गेमिंग, ये सर्च करना यूट्यूब पे, आपको शायद से वो वीडियो मिल जाएगा। स्मोकिंग के दम पे मैं जीता हूँ भाई वहाँ पर वो मैच, वो मैंने चिकन निकाला था, आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जैसे ही जोन चलना स्टार्ट होने वाला है तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सा माइंडसेट है, इस गाड़ी को मुझे बचा के रखना है ठीक है, क्योंकि इकलौता मेरे पास रीज़न है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं अपने हाथों में पकड़ चुका हूँ। इस गाड़ी को लेके सामने जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर एक स्मोक करो ताकि जब आप गाड़ी से एग्जिट करके उतरोगे तो कोई बीटी ना हो। अब जैसे ही यहाँ पर मुझे गाड़ी मिलती है मैं सामने की तरफ स्लैम दे दूंगा और काफ़ी इसलिए अंदर एक भाई बैठा होता है जिसको एमके से निपटाने वाले हैं यहाँ पर हम। तो यार ये भाई तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अब लास्ट में यार यहाँ पर थोड़ा डीसिंग की वजह से मर जाऊँगा, ये 1v2 मैं ले जा सकता था काफ़ी इजीली, बट यार थोड़ा डीसिंग हो गया जहाँ तक मुझे लगता है। अब यहाँ पर मुझे लगा कि मैं कवर में आ गया था बट चलो कोई नहीं आया तो अच्छी बात है यार, वैसे अच्छी क्या बात है, साले टीम अप कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना आपका जो भी फेवरेट पार्ट रहेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, कीप सपोर्टिंग #wantedarmy forever।